हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी साथ में बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैं मारीगोल्ड बिस्किट से बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके रेडी होती है। मारीगोल्ड केक के लिए मैंने ये बड़ा वाला पैकेट लिया है, 20-30 रुपीज़ का आता है, और इसको मैं हाफ़ यूज़ करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कम ज़्यादा क्वांटिटी। मैं हाफ़ पैकेट को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाना है हमें इसका। मैं छोटा सा केक बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने हाफ़ यूज़ किया है। सारे टुकड़े कर लिए हैं मैंने इसके, और अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है अच्छे से। ये केक में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और बहुत ही जल्दी बन के रेडी होता है ये। अभी इसमें मैंने ये पाउडर्ड शुगर लिया है, मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही यूज़ करूँगी, क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी स्वीट होता है। और ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, 1/4 कप डाला है। इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जिससे ये कंसिस्टेंसी इसकी बैलेंस रहे। एकदम से मत ऐड कीजिएगा, इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, हम मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा और मिक्स कर दिया मैंने इसको। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी रखना है इसकी। ये देखिए, इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, जिससे ये फूल जाए थोड़ा सा बैटर। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसको प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। और इसमें मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सबको मिक्स कर देंगे, और ये इनो का शैशे मैं इसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल लास्ट में आपको डालना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद मैंने ये ऐड कर दिया है इसमें, और अभी इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स मत कीजिएगा, अदरवाइज़ इसका रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे। और ये मैंने रेडी करके रखा है टिन, इसके ऊपर बटर पेपर भी बिछा के रखा है, ऑयल से ग्रीस कर दिया था। अभी सब इसको बैटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने मोल्ड में। ये मैंने सब ट्रांसफ़र कर दिया है, थोड़ा सा टैप करेंगे जिससे इसके बबल्स निकल जाएं जो भी हो। और मैं इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हैं छोटे छोटे से, उससे इसको गार्निश कर दूंगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और या फिर आप किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इसका लुक अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। मैंने आलमंड्स और ये कैश्यू नट्स कट करके रखे थे, और थोड़ा सा ये टूटी फ्रूटी भी इसको डाल दूंगी मैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ये मैंने सबसे गार्निश कर दिया है। अभी हम इसको बेक करेंगे, ये कढ़ाई में बना रहे हैं, इसीलिए 30-35 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। बीच में आप एक आध बार चेक कर सकते हैं। ये हम इसको ढक देंगे। अभी ये 25 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ मैं। ये देखिए, बेक हो चुका है अच्छे से। एक बार ये हम डाल के देख लेते हैं कुछ भी। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन है, आप टूथपिक डाल के भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल क्लीन निकला है हमारा। अभी इसको हम ठंडा करने के बाद ही अनमोल्ड करेंगे, अदरवाइज़ ये सॉफ़्ट होता है, टूटने का डर रहेगा। तो हमारा ये सॉफ्ट ठंडा हो चुका है, इसको अनमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, कितना इजीली से बाहर आ गया है, निकल आया है, अनमोल्ड हो गया है। अभी इसका बटर पेपर है जो, वो हम निकाल लेंगे अच्छे से। बटर पेपर भी अच्छे से निकल के बाहर आ जाएगा, फिर हम दिखाते हैं। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है हमारा केक, और इसमें कुछ भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किए हैं मैंने, जो घर पे अवेलेबल थे वही यूज़ किए हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है, और अच्छे से नेट बन गया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए, बहुत सॉफ्ट है ये, और टेस्टी तो बहुत लगता है खाने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये बिस्किट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।